कार्लो सी लॉटी कहीं ना कहीं टू ही ट्रेडिशनल स्टाइल है ट्रेडिशनल फॉर्मेशन है फोर थ्री थ्री से फोर थ्री फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन टू यहां पर ये चीज ध्यान रखना भाई यहाँ पे मैं खुद तो कंफ्यूज हो रहा हूँ फोर टू थ्री वन की बात नहीं कर रहा हूँ फोर थ्री वन टू विथ थ बेलिंगम एज आर नंबर टेन विद विथ एक डायमंडील्ड बहुत सारे केसेस बनते हैं हम शिफ्ट क्यूँ कर रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या अच्छा खासा फोर थ्री थ्री हमारे काम तो करते आ रही है हम नेक्स्ट रीजन क्यों अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट शिफ्ट करने वाले क्यों कर रहे हैं रहा है? सोच रहा है बहुत बड़ा रीजन है भाई

इसके पीछे क्या रीजन निकल के आ रहा है बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो में आपको एक चीज और क्लियर कर दू ये फॉर्मेशन फोर थ्री टू ये हमारे लिए फॉर्मेशन नहीं है हम ऑलरेडी फॉर्मेशन यूज कर चुके हैं अंडर जिडान थ्री पीट में जब इसको स्टार्ट इसको को स्टार्ट दिया जाता था ओवर बेल हम ये फॉर्मेशन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ये फॉर्मेशन नई नहीं, नहीं है फॉर आर टीम ये फॉर्मेशन नहीं, नहीं है फॉर आर कोच एज वेल फॉर कार्लो एन सिलोटी एज वेल सिंपल इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको अगर, मैं आपको आपको अगर सिंपल चीज़ में सम, एक के थ्रू समझाने की कोशिश करूं आपको अगर अंबापे नहीं आता लेट्स से अंबापे अगर नहीं आता कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना हमारी मेन स्ट्रेंथ क्या होगी नेक्स्ट सीजन क्या होगी भाई डिफेंस अटैक या मिडफील्ड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरी डेफिनेटली डेफिनेटली मिडफील्ड हमारी मेन स्ट्रेंथ होगी विथ सेवन मिडफील्डर्स फील्डर्स सेवन वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स चार तो आपको पता है भाई वो नेक्स्ट एरा जो रूल करने वाले हैं चार वो यंग प्लेयर्स विद मॉडरिच एंड क्रूस विथ सब भाई तीन ऊपर से और पड़े वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स वो आपके पास इस मिडफील्ड के पास हर एक चीज है एक्सपीरियंस टैलेंट क्वालिटी हर एक चीज हमारे पास है तो अपनी स्ट्रेंथ का बेस्ट यूज हम कर सकते हैं थ्रू दिस विथ दिस

बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा मिडिल से मिडिल से खोलना रिया को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सेकेंड थिंग मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुप्योरिटी थर्ड थिंग कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा मिडफील्ड एंड डिफेंस फोर्थ थिंग कंट्रोल रहेगा गेम पर ज्यादा बिकॉज ऑफ डेफिनेटली एक एडिशनल अगर मिडफील्ड उतार उतारते थे थ्री पीट में एक, 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 गेम पर ज्यादा कंट्रोल आएगा विद क्रूज जो भी स्टार्ट करेंगे मैं एक चीज बोल रहा हूँ कार्लो इंसिलोटी बेस्ट यूज करना चाहता है अपने मिडफील्ड का बेस्ट यूज कर रहा है बेस्ट यूज होगा विद मिडफी विध दिस डायमंडील्ड में आपको सिंपल अगर आप ये अगर लाइनअप देख रहे हो कामोविंगा एलसीएम ट पोजिशन ये दोनों की फेवरेट पोजिशन है विद क्रूज एज आर नंबर सिक्स ये तीनों की फेवरेट पोजिशन विथ ये चारों की फेवरेट पोजिशन है क्रूज एक ऐसा प्लेयर इसमें बन चुका है वो खुद ऑलरेडी बहुत बार स्टेटमेंट दे चुका है ये मेरी एक फेवरेट पोजिशन है पिविट में मैं काम करूं एज अ पिविट खेलू मैं एक वो गेम कंट्रोल करूं पीछे से गेम कंट्रोल करूं गेम की पेस हैंडल करूं ही लव्स गेम को डिक्टेट करू ही लव्स टू ड्रॉप बिटवीन सेंटर बाक्स कामोविंग भाई डेफिनेटली अटैक डिफेंस दोनों में कारवाल की हेल्प होगी उधर फ्लाइन की हेल्प होगी विदर्स विदिंगम अपनी विद डायडफी विद फॉर्मेशन डेफिनेटली इज कंसिडरिंग बेलिंगम की वो ड्रिबलिंग बेलिंगम की वो पासिंग बेलिंगम की वो शूटिंग ही लव टू प्ले अराउंड टू मेक रन इन टू दी बॉक्स वो लेट रन इन टू दी बॉक्स अब फ्रंट में आपके फिर खड़े होंगे रॉड्रिगो एंड वनिशियो जूनियर अगर हम पे नहीं आता ये एक एक चीज एक चीज कॉमन सेक्शन में जरूर बताना ऐसी क्या एक चीज है जो रियाल के पास इस मिडफील्ड में डैम मिडफील्ड में मिडफील्ड में रियाल के पास वो चीज नहीं होगी एक चीज बताना हर एक चीज हमारे पास पेस इंटेंसिटी शूटिंग टैकलिंग वर्क रेट एक्सपीरियंस एक ना स्टार्ट करेगा या क्रूज में से अपने डायमंड मिडफील्ड में डेफिनेटली भाई ऊपर से सबसे मेन इंपॉर्टेंट सबसे मेन मेन बात स्ट्रेंथ हमारी क्या है मिडफील्ड डेप्थ में डेप्थ में भी बेंच डेप्थ में भी बेंच स्ट्रेंथ में भी भाई अगर ये चारों को आप पूरे सीजन भर यूज भी करते हो भाई तो हमारे पास मॉडरिच है तो भाई कुछ तो सोच रहा होगा बंदा भाई डेफिनेटली हमारी मेन स्ट्रेंड मिडफील्ड है बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक जो निकल के आता है दैट इज डिसएडवांटेज वो ये है मेरे हिसाब से वॉट आई पर्सनली थिंक जो हम थ्री पीट में भी करते थे रोनाल्डो और अप फ्रंट होते थे भाई उधर एक रोनाल्डो नाम का एक बंदा होता था आपको इस फॉर्मेशन इस, इस, इस में एक आपको नेचुरल गोल स्कोरर चाहिए जो आपको ईजिली पूरे सीजन में 30, 35, 40 तक गोल्स निकाल के दे ये मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ फ्रॉम आर विनिश जूनियर एंड रॉड्रिग हो दोनों बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास विंगर्स हैं बट नेक्स्ट सीजन एकदम से बेंजिमा के जाने के बाद एकदम से इतनी सारी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना दोनों प्लेयर्स पर इतना कुछ एक्सपेक्ट करना दोनों प्लेयर्स से कि भाई गोल्स निकाल के दो कम से कम तीस से पैंतीस गोल्स नेक्स्ट सीजन बहुत ही ज्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देंगी फ्रॉम दीज टू तो यंग प्लेयर्स

Ambape, क्या आप सेटिस्फाइड हो रॉटरिको को बेंच करना है आजाद सुपर सब स्टार्ट करे वो भाई ऑल फॉर दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर रखना ऑल फॉर दिस वीडियो आई विल सी यू वेरी सून थैंक यू